इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से आ रही, जहां अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर। यूपीएसटीएफ ने किया असद का एनकाउंटर। झांसी में हुआ एनकाउंटर, असद के साथ शूटर गुलाम भी ढेर। प्रयागराज हत्याकांड के बाद से फरार था असद। असद पर था 5 लाख का इनाम। आरोपियों के पास से बरामद हुए विदेशी हथियार। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यूपी सरकार को बधाई दी। उमेश पाल की पत्नी ने भी दिया यूपी सरकार को धन्यवाद। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया है, 5 लाख का इनाम था, झांसी के अंदर एनकाउंटर हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा। तो सदन में बोला था कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, जितने गुंडे माफिया उन्हें मिट्टी मिला देंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति पर मांगा और हमें दोबारा सरकार में मतलब जनता ने भेजा, उन्हें हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आज ऐसे अपराधी जितने भी हैं, यही हम उस टीम को भी बधाई देते हैं, एसटीएफ को और डीएसपी को, कि उन लोगों ने अभिरक्षा में लेने का प्रयास किया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो भी कुछ हुआ है, इसे बेहतर तो एसटीएफ और डीएसपी बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर इनाम घोषित हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से उसके खिलाफ एविडेंस है और न्यायालय में मुकदमे हो जाते हैं और न्यायालय बार बार पुलिस को और सरकार को नोटिस जारी करती है कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं खोज रहे हैं। प्रेस मीडिया सभी लोग, जनता भी चाहती है, आज के दिन में अगर 5 लाख का इनाम है तो उन्हें जाकर सरकार मतलब न्यायालय में सरेंडर करना चाहिए था, वहाँ एविडेंस देना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो निश्चित रूप से उसका अभिरक्षा लेने में ऐसे जितने भी माफिया होंगे, हमारी सरकार की नीत है कि भयमुक्त वातावरण होगा, अपराध मुक्त होना चाहिए, गुंडा मुक्त होना चाहिए, जितने भी माफिया मुक्त होना चाहिए और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। असद का एनकाउंटर हुआ है, गुलाम का एनकाउंटर हुआ, कितनी खुशी की बात है, कितना। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता है, जिस तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया, बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे अभी क्या मांग है आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे, तो प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के, उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं बात धन्यवाद ही कह सकती हूँ। माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, आपका क्या कहना है?